हेलो एंड वेलकम टू फूड फाइट। आज फिर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विशाल मेगा मार्ट का शॉपिंग हॉल। फर्स्ट मैंने काफी टाइम पहले किया था, जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट ही किया था उस टाइम पे किया था, एंड आई थिंक उसकी 38,000 कुछ व्यूज मुझे मिले थे, इसलिए दो तीन साल पहले किया था वो। बट अब आज मैं फिर से विशाल मेगा मार्ट गई थी और काफी अच्छे मतलब ऑफर मुझे मिले। ये कोई स्पॉन्सर या ऐसे कुछ नहीं है वीडियो, मैंने अपना खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं काफी ऐसी जगहों पे ही शॉपिंग करती हूँ जहां पे मुझे सही रेट में सही चीजें मिल जाएं। मतलब ऑनलाइन थोड़ा कम ही शॉपिंग करती हूँ मैं, तो इसलिए या वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं क्या क्या वहां से लेकर आई हूँ। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। यस, अगर आपको वीडियो किसी भी रीजन पे अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दिया कीजिए, वरना मतलब कुछ मतलब नहीं बनता है फिर मेरे वीडियो बनाने का। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। तो ऐसे ही मतलब अच्छे अच्छे वीडियोज आपके साथ मैं शेयर करती रहूं, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। तो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अनवी के लिए क्या लाई हूँ। तो अनवी के लिए मैंने एक तो ये येलो कलर का कुर्ता टॉप लिया है, एक ये पिंक कलर का लिया है जिसपे पोल्का डॉट्स बने हुए हैं, मुझे बहुत ही प्यारा लगा ये। एक ये नियोन कलर में गर्मी के हिसाब से मैंने टी शर्ट ली है। तो इसकी प्राइस मैं बता देती हूँ आपको, ये 99 का है और ये मुझे पड़ा 199 का। ये वाला आई थिंक 299 का, एंड सेम ऐसा ही पिंक कलर में लिया मैंने, वो भी 299 का पड़ा। एंड एक चीज ना मैंने मतलब ली, ये वाली ये 200 रुपए की लेगिंग थी, बट उसके प्राइस जब उसने बिल बनाया ना तो ये 40 रुपीज में ही पड़ा। तो इतना मतलब मजा आ गया लेके, ये 40 रुपीज में ही पड़ा है। और इसके साथ ही एक ये वाली लेगिंग ली है, इसपे थोड़ा सा इस तरीके से बटरफ्लाई बनी हुई है, और ये 159 की थी, या 159 की। तो ये इसके साथ भी अच्छे से जाएगी, और इसके साथ भी जाएगी, साथ में इसके साथ भी जाएगी, मतलब आप तीनों के साथ इसको पहन सकते हो। तो ये सारी चीजें मैंने अनवी के लिए ली है गर्मियों के हिसाब से, मुझे काफी पसंद आई थी ये। तो या दिस इज इट अनवी के लिए। आगे और दिखाती हूँ और क्या क्या लेकर आई हूँ। तो और मैं लेकर आई हूँ, देखिए ये वाली एक फुल टी शर्ट है जो कि आप नाइट में पहन सकते हो और दिन में भी चल जाती है। काफी अच्छा मटेरियल है इसका, मोटी है थोड़ी, तो लॉन्ग टी शर्ट ही पहनती हूँ मैं घर पे नॉर्मली। तो ये 299 की है, ऐसी ही एक ये 199 की लेके आई हूँ। इसका थोड़ा सा पतला कपड़ा है, ये थोड़ा सा मोटे कपड़े में है, तो ये डिफरेंस है, बाकी दोनों ही नाइट टी शर्ट है, लॉन्ग वाली है। और एक बहुत ही ये प्यारा कुर्ता, मतलब इसकी जो स्लीव्स है ना इस पे कुछ डिजाइन बनी हुई है, और या इस पे डिजाइन बनी हुई है, और ये इसका फ्रंट है, बैक में प्लेन है, बट बहुत ही अच्छा कलर है इसका, बहुत प्यारा लगा मुझे। ये 499 का था। ये दो बेबी सूट ड्रेस लाई हूं मैं, अभी बहन की जाऊंगी तो उसके लिए लेकर आई हूँ। ये दो पजामे 99 रुपीज के, आई नो बहुत ही सस्ती वाली शॉपिंग हुई है आज। और ये एक पूरा एंकल लेंथ का कुर्ता है, बहुत ही प्यारा है, आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ है, कॉटन में है, गर्मियों में पहनने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। तो ये पड़ा 350 का, मतलब 350 में आपको एंकल लेंथ कुर्ता कहीं नहीं मिलेगा, इतना सस्ता मुझे मिला है। ये टी शर्ट मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारी लगी, इसलिए मैंने लेडी रेड कलर इज माई फेवरेट। तो यह आगे देखते हैं और क्या क्या लेकर आए हैं। तो जी कपड़ों की शॉपिंग तो बहुत हो गई, अब थोड़ी सी घर की शॉपिंग भी की है मैंने। तो ये एक ना इस तरीके से नॉन स्टिक पॉट ब्रश कुछ करके है, तो इसमें ना हैंडल भी लगा हुआ है, दो स्क्रबर साथ में दिए हैं, आप इनको बाद में इसके अटैच कर सकते हो। ये स्क्रू कुछ ऐसे घूम जाता है और ये निकल जाता है, तो इससे आप देखिए इस पर काफी कुछ दे रखा है क्या क्या आप साफ कर सकते हो। तो यह काफी मुझे अच्छी लगी, ये सही लगी, 99 रुपीस में थी, ठीक लगी। ये अब गर्मियों के हिसाब से जालियां ये बहुत चाहिए होती हैं, क्योंकि गर्मियों में चीजें बहुत खराब होती हैं, सब्जी दूध छाछ जो भी आपको आप किचन में रखते हो वो ढकने के लिए आपको चाहिए होती है। तो ये ना 35 की पड़ी थी। और ये दो मैंने छलनी ली है, एक प्लास्टिक की है, एक ये स्टील की है,
तो ये 15 की थी, ये 30 रुपीज की थी। इसके साथ ही ये दो स्क्रब करने के लिए, तो कल किचन की सफाई का डे है, होली पे किचन की सफाई करेंगे, तो उस हिसाब से मैं ये दो लेकर आई हूँ। टाइल ब्रश है, 30-30 रुपीज की है। और इस बार नहीं, मैं ये अब मैं मतलब इकट्ठे कर रही हूँ। कांच के जो कंटेनर आते हैं वो काफी, मैंने 4-5 तरह के तो ले लिए, अभी ये मैं 5 लेकर आई हूँ। ये 79 रुपीज का एक पड़ा है मुझे, ये मैं 5 लेकर आई हूँ। ऐसे एक मैं ये कप लेकर आई हूँ, कुछ मतलब एज अ फूड ब्लॉगर यू नो चाहिए होते हैं कुछ आपको रेसिपीज के लिए। ये मैं रोज सिर्फ लेकर आई हूँ, गर्मी में चाहिए। ये कुछ कप का सेट लेके आई थी, एक वो ट्रे काफी अच्छी लगी मुझे ये ट्रे, और एक ये ना पाउच है, हैंगिंग पाउच, 4 इसमें वो पॉकेट्स बने हुए हैं, काफी अच्छा लगा मुझे ये देखने में। कहीं पे भी आप हैंग कर लो और कोई भी चीज आप डाल सकते हो। तो या बहुत अच्छे लगे, बहुत किफायती दामों में मिल गए, तो जरूर जाएं शॉपिंग करें और एंजॉय। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।